आइए जानते हैं CRR क्या होता है, जिसे हम हिंदी में नकदी आरक्षित अनुपात कहते हैं। अर्थव्यवस्था में महंगाई, नकदी की मात्रा आदि पर नियंत्रण करने में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI जिन उपायों या उपकरणों का सहारा लेता है उनमें नकदी आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CRR कहते हैं, प्रमुख है। इस लेख में हम जानेंगे कि नकदी आरक्षित अनुपात यानी CRR क्या होता है, यह वैधानिक तरलता अनुपात से किस प्रकार से भिन्न होता है। अर्थव्यवस्था में नकदी व कर्ज की मात्रा नियंत्रित करने में इसकी क्या भूमिका होती है। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंकों के पास में कुल जितना भी पैसा यानी कि जमाओं के रूप में होता है उसका एक निश्चित हिस्सा उन्हें रिजर्व बैंक के पास जमा रखना अनिवार्य होता है, यानी जरूरी है कि वह एक पार्ट को रिजर्व बैंक के पास रख दे। यह एक निश्चित प्रतिशत या अनुपात में होता है, इसका एक सर्टेन परसेंटेज होता है। कमर्शियल बैंकों की ओर से रिजर्व बैंक के पास रखे जाने वाले इस हिस्से यानी कि कुल जमाओं को प्रतिशत या अनुपात को ही नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ये जमाएँ रिजर्व बैंक के पास बैंकों के चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट में जमा रखती है। सामान्य चालू खाता की तरह ही रिजर्व बैंक इस जमा पर कमर्शियल बैंकों को किसी तरह की ब्याज नहीं देता। रिजर्व बैंक के पास रखी इस रकम को प्रयोग करने का अधिकतर कमर्शियल बैंकों के पास अधिकार नहीं होता है, यानी कि किसी प्रकार की आर्थिक या व्यवसायिक गतिविधियों के लिए इस पैसों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कमर्शियल बैंक इस हिस्से के उम्मीदवारों या सामान्य लोगों को आधार यानी कर्ज भी नहीं दे सकती है। आइए इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। उदाहरण के लिए किसी बैंक के पास आपका 1 लाख रुपए जमा है। मान लिया कि इस समय 6% CRR का नियम लागू है, यानी कि आपकी जो 1 लाख रुपए की जमा बैंक के पास है उसमें से 6% यानी कि 6,000 रुपये उसे रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा। आपका बैंक इस 6,000 रुपये को किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि या कर्ज देने या निवेश वगैरह के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। ये 6,000 रुपये आपके बैंक की ओर से रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध चालू खाते यानी करंट अकाउंट में अनिवार्य जमा के रूप में बने रहेंगे। आपके जमा में से बाकी जो 94,000 रुपये आपके बैंक के पास रखे हैं उनका प्रयोग व्यवसायिक गतिविधियों कर्ज देने या निवेश वगैरह पे कर सकते हैं। CRR के घटने व बढ़ने का प्रभाव भी पड़ता है। जब रिजर्व बैंक CRR ज़्यादा करता है तो बैंकों को अपनी जमाओं का ज़्यादा हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। बैंकों के पास अपनी जमाएँ कम हो जाती है और वे उम्मीदवारों और सामान्य लोगों को कम मात्रा में कर्ज देने में सक्षम या सक्षम होती है। व्यवसायिक गतिविधियों व निवेश परियोजनाओं में कम धन खर्च करने की स्थिति में होते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में तरलता यानी कि पैसों की उपलब्धता